clear coffee also, and today we are going to do the practice. Let's practice वाला जो exercise है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है? Can't see all camera on. मैं सारे बच्चों का कैमरा ऑन तो नहीं देख पा रहा हूँ. क्यों? Why? बताओ क्यों? सारे बच्चों का कैमरा ऑन क्यों नहीं है? सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे या तो फिर मैं रिमूव करना शुरू करूं. लुक, आई एम नॉट गोना आस्क वंस मोर. ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, देख लो खुद से कि जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ. एंड ओनली थ्री कैमराज आई कैन सी, रिद्धि, मयंक, शशांक, दीज आर द थ्री कैमराज विच आई कैन सी ऑन. ठीक है, सर आई हैव आल्सो ऑन कैमरा ऑप्शन. सर माय कैमरा इज आल्सो ऑन. सर माय कैमरा इज आल्सो ऑन. लिसन, नाउ देख लो, पहले देख लो जो मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ. अच्छा, पीयूष का भी दिख रहा है. कैमराज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो आपको दिख सकता है कि मेरे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है. रिद्धि, मयंक, पीयूष, इवन शशांक का भी अभी नहीं शो हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई. एनीवे, लेट्स मूव ऑन. एंड एज आई टोल्ड यू कि वी वर गोइंग थ्रू दैट चैप्टर, तो हम लोग उसी चैप्टर को आगे करेंगे. ठीक है, is it visible, can you see it? Yes sir. Yes sir. Till which page we have completed? Kahan tak ho gaya tha hamara sir? 128 completed. 28, page number 128 completed. How will set the reporting groups? Reporting work we have completed now. No sir. Reporting work से हम लोगों को करना है. Yes. So let's begin and let's discuss about that. What the things are written here? How to implement these all things? Right. First of all, you. नेटवर्क सही नहीं है. तो लिंक जो आप भेजते होंगे आज, हो सकता है कि दिखाना चाहिए. नेट नहीं है सर, चेक कर रहा है. तो ले जाइए ना, बाहर सनसन कर रहा है, उधर ले जाकर देखिए, आ जाएगा वो. अच्छा, नेट कमजोर होने की वजह से मोबाइल का नेटवर्क है ना. तो रिपोर्टिंग वर्क सबसे पहले क्या है उसको हम लोग जानेंगे. आई हैव टोल्ड यू कि रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है. तो जो सेमी कॉलोन के पहले जो होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मीरा सेट टू संतोष है ना, नीचे वाले पेज में. तो यहाँ पे सेट जो है उसी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्क बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्क. इट सेज कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट रिपोर्टिंग वर्क से और सेट जो है डायरेक्ट स्पीच में, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विथ अदर वर्ब्स इन इनडायरेक्ट स्पीच. अदर वर्ब्स क्या हो सकता है? कोटेड स्पीच में जो सेंटेंस होगा उसके हिसाब से जो मीनिंग आएगा बोलते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे यू मस्ट सी अ डॉक्टर इमीडिएटली. तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद कौन सा सेंस डेवलप होता है? दैट जो स्पीकर है उसको रिकमेंड कर रहा है कि आपको जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मतलब तो वो रिकमेंड कर रहा है. तो यहाँ पे देखिए मीरा सेट, मीरा टोल्ड की जगह पर रिकमेंड कर दिया गया है ना. तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. दिस इज द, ये इसका, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसका मतलब यही है. जतन सेट टू प्रिंसिपल, प्लीज ग्रांट मी अ डे लीव. तो प्लीज ग्रांट मी अ डे लीव सुनने के बाद व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग वी आर डेवलपिंग, कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है. तो जतन रिक्वेस्टेड टू द प्रिंसिपल, दैट मीन्स की रिपोर्टिंग वर्क जो है उसका जो मतलब चेंज अगर हम करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कुछ अलग अलग वर्ब से भी किया जा सकता है
This is the point which you need to understand. Is it clear to everyone? Yes. What is the point? Yes, sir. अभी हम लोगों ने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया? Let me ask from few students. कुछ बच्चों से पूछूंगा, let me see. जवाब देते हैं नहीं. Keith, what is the point I have discussed right now? Keith, unmute yourself, Keith. Not responding. कौन है? Okay. Vishnu, what is the point we have discussed right now? हम लोगों ने कौन सा point discuss किया? बताइए. Vishnu, not responding. Very good. Ayush Raj, what is the point we have discussed right now? क्या point discuss किया हम लोगों ने? Sir, like reporting verb, that reporting verbs like say or said can be replaced by another verb. Like recommended. In indirect speech में हम change कर सकते हैं. चलिए, तो ये topic overall जो बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर को समझ में आ गया है. अब next आगे क्या कहता है? यहाँ पे देखिए, the following is a list of verbs. यहाँ पे ये एक list दिया हुआ जिसमें verbs है दिया हुआ that can be used to replace reporting verbs. और इनका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं reporting verb को replace करने के लिए indirect में. अगर सपोज की डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो उसको अगर अफर्म कर रहा है, अगर अफर्म वाला सेंटेंस मिलेगा तो वहां पे क्या लिखेंगे कि इट वो लाइक आयुष एक्नॉलेज्ड, वैसे करके कर सकते हैं. अगर आर्ग्यूमेंट वाला सेंस आएगा तो कमेंट कर सकते हैं. डिस्क्लोज वाला सेंस आएगा तो डिक्लेयर कर सकते हैं. डिनाई अगर रहेगा तो एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक्सप्रेस रहेगा तो इंसिस्ट कर सकते हैं. मेंशन रहेगा तो दीज आर द थिंग्स. ये टेबल जो है आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम में पड़ सकता है क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा तो उसके जगह पे क्या डालें, गलत हो सकती है. ठीक है, इंट्रोगेटिव रहेगा तो आस्क हो जाएगा, डिमांड, इंक्वायर, क्वेश्चन, वांट टू नो, वंडर. अगर एक्सक्लेमेटरी जाएगा तो वही ब्लेस्ड, क्राइड, प्रेड, अर्ज्ड, वॉन्ट, विश्ड. तो ये सब उसी के बारे में दिया हुआ है. ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम, ठीक है, तो इसको करना क्या है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब. तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना. जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ. विशाल सेड टू हिज मदर, आई हैव डिफिकल्टी इन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम. तो ये जो कोटेड स्पीच अंदर में दिया हुआ है, ये कोटेड स्पीच, इसको पढ़ के क्या सेंस लग रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपनी माँ को क्या बोलना चाह रहा है? सर, ही हैज डिफिकल्टी इन सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम. हाँ, तो वो sir, क्या problems. कर रहा है? सर, हिज प्रॉब्लम्स. हाँ, वो डिस्क्लोज कर रहा है, वो चीजों को बतला रहा है ना, वो मतलब खुलासा कर रहा है कि उसको मैथ में प्रॉब्लम है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, विशाल डिक्लेयर्ड टू हिज मदर दैट. अब यहाँ पे ही हैज, ये नहीं कि इसको आप लोग, इसको तो चेंज करेंगे ही करेंगे, टेड को जो है डिक्लेयर में चेंज करेंगे. ठीक है, विशाल डिक्लेयर्ड, ठीक है, टू डिक्लेयर्ड टू हिज मदर दैट ही, और ही के साथ हो जाएगा हैड, ही हैड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम. ठीक है, he had difficulty in solving maths problem. समझ में आया कि कैसे बनाना है? एक तो आपको इसको भी चेंज करना है, मेन फोकस इसके ऊपर होना चाहिए. एक और एग्जाम्पल, जैसे his mother said to him, I will help you practice. मतलब इस सेंटेंस को I will help you practice का मतलब ये हो रहा है कि उसकी मदर जो है रिप्लाई कर रही है, क्या कर रही है, जवाब दे रही है उसके बातों का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, his mother replied, said के जगह हो जाएगा his mother replied him that she would, ठीक है, she would help him practice. तो इस तरीके से बनेगा. Understood? Is it clear to everyone? Yes, sir. चलिए, so now you do this. आपके पास जितने बच्चों के पास book है, you just do it. I can't see Vishnu camera on. Vishnu का camera मुझे नहीं दिख रहा है. Keith. उसके बाद हु इज दिस, आदित्य प्रिया, आदित्य का भी नहीं दिख रहा है, आई कांट सी.
Sir, my camera is on. Sir, my camera is also on. चलिए तो ये दो क्वेश्चन जो है आप अपना उसमें बुक में से कर लेंगे और नीचे में और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है दैट यू विल डू राइट नाउ जल्दी से कीजिए ठीक है या फिर मैं एक काम करता हूँ इसको नहीं करो पहले इसको करो उसके बाद
Sir, in indirect speech, hour will be done in will be converted into what, sir? Which question? Tell me the question. Sir, like in phone number, Raghu said our team will win the match. So, sir, R will be what? Raghu said, ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा? Our team will win the match. ये क्या लग रहा है कि ये क्या मतलब किस तरीके का सेंस मिल रहा है? Sir, it can be declared, like he declared that. Yes. यहाँ पे आपको लग रहा है? Yes, it is. डिक्लेरेशन एक तरीके से डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रघु डिक्लेयर्ड दैट देयर टीम आर विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर, आर जो है देयर में चला जाएगा, ठीक है. देयर मतलब आवर मतलब हमारा. यहाँ पे देखो तुम लोग देखती नहीं है ना, यही प्रॉब्लम है. देखो यहाँ पे ऊपर में हुआ है, देखो आर का देर में है ना. स्टूड यस सर. यस, कांट सी योर कैमरा ऑन. आर यू डूइंग कनिष्क? Are you doing your work? Kanish Kumar. Yes, sir. Yes, sir. Are you doing the work? बना रहे हो? Yes, sir. I am doing. हाँ. Camera on रहेगा. Sir, in question number 8, what will shall change into? Shall, question number 8, na? Yes, sir. Simran said to Karuna, we shall. So, agar we ko change karenge, to Simran said that they. So, they ke saath mein will aata na, to they would ho jayega. वी के साथ में शैल आता है, ठीक है. तो वी को चेंज करेंगे तो दे आएगा और दे के साथ में वुड आएगा. दे के साथ में विल नहीं आता है, सॉरी विल आता है, तो विल के जगह पे वुड होगा, ठीक है. दे वुड रेज सम मनी फॉर द फ्लड विक्टिम.
Sir, in 8, it can be like Simran advised to Karuna that we shall raise some money for the flood victims. इसलिए वो एक तरीके से क्या कर रही है कि वो सलाह ही दे रही है अपने दोस्तों से, रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, एडवाइस रिक्वेस्ट ये दोनों आ सकता है. ठीक है, Keith, what are you doing? Mountain पे बैठा है. Fix that mountain fast. चल जाएगा mountain, गिर जाएगा ऊपर से नीचे. Go on mute, Keith. Go on mute. Where's Kanish? Kanish है गया. Kanish हाँ. Are you wearing dress? Kanish dress पहन के बैठा है. Are you wearing dress? Are you in dress? Yes, sir. Do it fast, जल्दी से करो, जल्दी से. और उसको भेजोगे, जिसका जिसका नहीं आएगा ना, तो उसका अटेंडेंस अभी बना दूंगा, बाद में हटा दूंगा. मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपने ये वर्क नहीं करा है क्लास वर्क, तो मैं आपका अटेंडेंस अभी तो हो सकता है, लेकिन बाद में मैं हटा दूंगा. Aditi has sent. Aditi का आ चुका है. Yes sir. Sir, are the answers right? वो तो देखना पड़ेगा ना. That will match. That will discuss. Wait, let me see. Let me see. Let me check. Okay. My sister declared that I am always sitting. ठीक है. Correct है. ठीक है, तो उसके बाद क्या है? रघु नहीं, यहाँ पे डिक्लेयर्ड नहीं होगा, यहाँ पे अर्ज्ड होगा. ठीक है, अर्ज्ड आर्गुमेंट जो होता है ना, वो माय सिस्टर अर्ज्ड आर्गुमेंटेड, या आर्गुमेंटेड कर सकते हैं, अर्ज्ड बेहतर होगा. माय सिस्टर अर्ज्ड यू आर ऑलवेज सिटिंग. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. सर, कैन इट बी कमेंटेड? Commented, yes, commented, yes, argue का comment है, sorry, commented करेंगे, commented, commented would be ज़्यादा बेहतर होगा. ठीक है, दूसरा है रघु declared our team. ठीक है, रघु declared that their team would win the match. Will would में change हो जाएगा, will change into would. ठीक है, our teacher said to us. ठीक है, our teacher requested मस्ट हेल्प. यहाँ पे एडवाइस होना चाहिए, रिक्वेस्टेड नहीं है. ठीक है, रिक्वेस्टेड ज़्यादा, टीचर जो है वो रिक्वेस्ट भी ऐसा ठीक है, बट एडवाइस सलाह देते हैं कि बच्चों को कि आप तो मतलब गरीबों की मदद करें, तो आप टीचर रिक्वेस्ट. चलो ठीक है, मैं इसको मानता हूँ कि ठीक है. टीचर रिक्वेस्टेड advised to us that
we must always help the poor. के बाद का जीत से टू तुषार प्लीज कम टू माय हाउस. तो यहाँ पे तो साफ साफ है कि वो उसको इनवाइट कर रहा है. ठीक है, तो जीत रिक्वेस्टेड अच्छा वो जीत रिक्वेस्टेड टू तुषार जीत रिक्वेस्टेड टू तुषार दैट please come to Jeet requested Jeet requested to sir visit his house. kya fir se bolo, say that again sir. can we write that Jeet requested to Shard to visit his house that afternoon? yes Jeet requested to Shard to visit his house दिस आफ्टरनून का दैट आफ्टरनून हो जाएगा. दिस का दैट हो जाएगा. ठीक, दिस आफ्टरनून का क्या हो जाएगा? दैट आफ्टरनून. के बाद है अली टोल्ड अस आई हैव स्टडीड ऑल द. तो अली इन्फॉर्म्ड भी हो सकता है, बता रहा है, डिक्लेयर भी कर रहा है, दोनों हो सकता है. अली इन्फॉर्म्ड अस दैट ही हैड स्टडीड एट दिस यूनिवर्सिटी फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स. ठीक है, अली informed us या declared नहीं होगा, अली informed us ही होगा. ठीक है, वो inform दे रहा है, information दे रहा है कि मैं हाँ यहाँ पे 3 साल तक लगातार पढ़ा हूँ. नेक्स्ट है सिमरन सेड टू करुणा. तो वी शैल रेज, वहाँ पे ये तो हो गया, एडवाइस्ड सिमरन एडवाइस्ड टू करुणा दैट दे शैल दे के साथ शैल नहीं होगा, दे वुड they would raise some money for the flood victims. Next has Sunita said to her class teacher. Sunita, I was not absent for a single day. So yahan pe kya ho raha hai, reports. theek hai, Sunita reports to class teacher that she was not absent. theek hai, she wasn't absent. good. uske baad hai, my father said it is very important for you to learn. so एक्सप्लेन्स यहाँ पे सही नहीं है, एक्सप्लेन्स की जगह पे माई फादर एडवाइस्ड हो सकता है. ठीक है, एडवाइस दिया जा रहा है, पढ़ाना ना पढ़ना बच्चे को तो डेली एडवाइस देते ही देते हैं ना. यहाँ पे देखिए ये क्या है, नीचे में आएगा इसका जो होगा वो वही होगा. ठीक है, my father advised that it was very important for me to learn that it was very important sorry it was very important for me to learn the use of prepositions. I hope ki sare bachcho ka ho gaya hoga correction work. yes sir. agar nahi hua to aap video sun karke aap correction kar lenge. now it is attendance time, let me mark 140 already ho chuka hai. I'm going to mark the attendance. Aditi Priya. Present, sir. Anika Arohi. Anand is there. Anand Sharma is there. Is not responding. Absent banaunga. Okay. Anika ho gaya. Fir uske baad Arya Ashish. Is he there? No. Ayush Raj. Present, sir. Present, sir. दिव्यांशु वत्सल, गौरव कुमार, ये कौन बोल रहा है, बोलो बीच में नहीं बोलो. दिव्यांशु वत्सल इज नॉट देयर, गौरव कुमार, हर्ष राज, हिमांशु राज, कनिष्क कुमार इज देयर, कनिष, यस सर, प्रेजेंट सर, की प्रेजेंट सर, कृष राज, प्रेजेंट सर, मयंक राज प्रेजेंट सर, प्रहान, नवनीत, प्रतिभा, पीयूष राज वन है, प्रिंस कुमार, प्रिंस इज देयर, प्रिंस कुमार, सर, रिद्धि राज,
Rishabh Raj, Rishabh is there? Rishabh? नहीं है. Shashank Shekhar? Present sir. Shiv Keshav? Shivansh Jyoti? Present sir. Present sir. Sayyad Arsal? Sayyad Arsal? Present sir. Vishnu Raj? Vishnu Raj? Vishnu Raj? नहीं है. Vishnu Raj is not there. आता है नहीं बोलता तो फिर मैं उसको एब्सेंट ही रखूंगा. कोई आप लोग टेंशन ही ना ले. ठीक है. ओके. उसके बाद है यश कुमार. प्रेजेंट सर. पीयूष राज. टू पीयूष राज प्रेजेंट. ऑलराइट. ओके गाइस, नाउ आई एम सेंडिंग यू द अपडेटेड अटेंडेंस. ठीक है. यू कैन लीव द ग्रुप. और उसके आगे का जो एक्सरसाइज है आप लोग सब बनाइए. ठीक है. डोंट वेट फॉर मी कि सर करेंगे. okay. बना लेंगे उसके बाद फिर डिस्कस होगा तो वो थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा. अंडरस्टूड? यस. चलिए तो यस सर. थैंक यू फॉर टुडे अटेंडेंस एंड वी विल मीट टुमारो. हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू. यू कैन लीव. थैंक यू सर.